नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द अस्पायरिंग बैंकर हर्षल में। तो आई होप दोस्तों आप सभी हेल्दी होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे सभी को पता है कि RBI असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है और मेंस एग्जामिनेशन में RBI से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपके लिए मैं RBI से रिलेटेड एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हम RBI को कंप्लीट एक शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपके लिए इसका इंट्रोडक्शन और इसका ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। RBI was established on 1st of April 1935 in accordance with the provision of RBI Act 1934. So RBI 1 April 1935 को establish हुआ था according to the RBI Act 1934. So central office of RBI was initially established in Kolkata but was permanently moved to Mumbai in 1937. So RBI का central office initially कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको मुंबई shift कर दिया गया। The central office is where the governor sits and where पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। सेंट्रल ऑफिस वो होता है जहाँ पे गवर्नर बैठते हैं और वहाँ पे पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949, द RBI इज़ फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इनिशियली ये प्राइवेटली ओन्ड था, लेकिन जब 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फुली ओन किया गया। बात करते हैं इसके प्रियम्बल की। टू रेगुलेट the issue of bank note and keeping of reserves with a view to secure monetary stability in India. तो RBI का दोस्तों मेन फंक्शन जो है बैंक नोट को इशूज़ करना, उसको रेगुलेट करना एंड रिजर्व्स को मेंटेन करना टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। तो RBI की एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होती है जिसके थ्रू वो इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करती है। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो RBI का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करें, इन्फ्लेशन को मेंटेन करें विद अ व्यू टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, और उसके ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को भी मेंटेन करके चलें। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।